हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिसोटेक इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोटो में बैकग्राउंड चेंज कैसे होता है और नेम प्लेट कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद फाइल पर जाना है। फाइल पे जाने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका फ़ोटो पे एडिट करना रहेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा इसे बड़ा मैं कर लेता हूँ कि जो फ़ोटो बढ़िया से बैकग्राउंड एडिट हो। अब पेन टूल पे जाना है। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बाहर पे क्लिक करके एक बार इसको थोड़ा सा जूम करके जितना बढ़िया से जूम कीजिएगा उतना बढ़िया से आपका फ़ोटो एडिट होगा। उसके बाद पेन टूल के आराम से साइड साइड से चला लेना है। देखिए मैं दोस्तों चला रहा हूँ, आपको जितना अच्छा रहेगा जितना जूम कीजिए उतना बढ़िया। उसके बाद बैकग्राउंड से बाहर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बाहर से आप क्लिक कीजिएगा तो बैकग्राउंड आपका टोटली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको मिला लेना है। मिला लेने के बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको आएगा मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मेक सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद फेदर आपको रखना है 0.5। रखने के बाद आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देखिए दोस्तों आपका सेलेक्ट हो चुका है। आपको जो कलर बैकग्राउंड में रखना है वो कलर पे जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा। वो जैसे मैं रेड ग्रीन रखूँगा, इसे मैं ब्लू रख लेता हूँ। ब्लू लेने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद बैक स्पेस पे क्लिक कर दीजिएगा। बैक स्पेस पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। पूरी तरह से आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है आप वहाँ पर बढ़िया से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर से आपको क्लीन होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों अब मैं नेम प्लेट लगाने के लिए आपको बताते हैं। जैसे मैं नेम प्लेट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। टी टूल में जाऊँगा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जितना दूर मेरे को लेना रहेगा उतना क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखना जो आपको नाम लिखना रहेगा वगैरह। इसे लिखना रहेगा जैसे मेरे को ये नाम लिखना है। इसका बैकग्राउंड पे कुछ कलर रखना है, बाय द वे इसका मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू। इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे फोटो पे कब ले आइएगा, लेयर लाने के बाद आपका बैकग्राउंड आपका चेंज हो चुका है।